बोला, लहरों के डर से नौकाएं पार नहीं होती और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। नमस्कार प्यारे बच्चों, साथियों, देखो HSSC डी ग्रुप में कितनी सीट वैकेंट है, ठीक है, हमें कैसे पता लगेगा कि भाई कितने साथी ऐसे हैं, कितने बच्चे, कितने अभ्यर्थी ऐसे हैं जिन्होंने डी ग्रुप को रेजिग्नेशन कर दिया और उन्होंने सी ग्रुप ज्वाइन कर दिया, ठीक है, और वेटिंग लिस्ट है उसका, आखिर कब तक हम इंतजार करेंगे, ठीक है, क्योंकि इंतजार इंतजार करना ही हमारे हाथ में, और बाकी चीजें तो हमारे हाथ में है ही, तो कब तक इंतजार होगा? कॉमन कैडर वालों को क्या फायदा होने वाला है, ठीक है, तो ये छोटी छोटी दो तीन अपडेट है जो आपसे मैं शेयर करूंगा। जो साथी नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करना, ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करना, ठीक है, बिना पैसे का सब्सक्राइब है, थोड़ा सा अप्रिशिएट करोगे तो थोड़ा सा हमें मोटिवेशन मिलेगा, ये कह सकते हो। अब देखो, अब मैं आपको बताता हूँ कि जो HSSC डी ग्रुप की तीन, एक तो रिजल्ट आया था 10,900 स्थान में था, ठीक है, उसके बाद में एक वेटिंग लिस्ट आई थी 3774 की, और एक और आई थी शायद 2660 थी ऐसे, ठीक है, तो 25 नवंबर तक एक पोर्टल खोला गया था, सभी साथी जागरूक हैं, सभी को पता है 25 नवंबर तक कॉमन कैडर पोस्ट के लिए एक पोर्टल खोला गया था, उसकी लास्ट डेट हो चुकी, उसमें 10 पोस्ट भरवाई गई थी, तो सभी ने अपने रुचि के अनुसार वो भरी है, ठीक है। तो अब थोड़ा सा संशय ये है कि क्या होम डिस्ट्रिक्ट मिलेगा या जहाँ सीट वैकेंट है किसी डिपार्टमेंट में वहाँ भेजा जाएगा, तो इस तरह की थोड़ी सी संशय कह सकते हो आप। तो मैं आपको बताता हूँ एक बहुत अच्छी बात, देखो जो 2018 में जो डी ग्रुप की भर्ती हुई थी उसकी प्रमोशन लिस्ट बहुत जल्दी आने वाली है, ठीक है, रियली उसकी प्रमोशन लिस्ट आने वाली है, और जब उनकी प्रमोशन लिस्ट आएगी तो ये जितने भी साथी हैं तो इनको सभी को लगभग को होम डिस्ट्रिक्ट मिल जाएगा, क्योंकि प्रमोशन लिस्ट आएगी तो वो सीटें वैकेंट करके अपर कलर पे या कहीं भी सी ग्रुप में चले जाएंगे, तो वो जो सीट वैकेंट होंगी तो वहाँ इन साथियों को होम डिस्ट्रिक्ट ही मिलेगा कन्फर्म। और एक और विशेष फायदा ये है, उसका फायदा देखो मैं आपको बताता हूँ कि अब 25 नवंबर तक भाई जाहिर सी बात है जो डी ग्रुप के कैंडिडेट हैं, जो डी ग्रुप जिन्होंने ज्वाइन कर रखा है या जो डी केवल डी ग्रुप में ही रहना चाहते हैं, ठीक है, तो जब उन्होंने ये कॉमन कैडर जो पोर्टल भरा है तो बिल्कुल कन्फर्म हो जाएगा कि कितने कैंडिडेट्स ने ये पोर्टल भरा है, ठीक है, और कितने कैंडिडेट्स ने पोर्टल नहीं भरा, तो हमें पता लग जाएगा कि कितनी वैकेंसी है, 13,000 है, 14,000 है या 17,000 है, जितनी भी है तो कितनी सीटें अब वैकेंट है। अब तक तो जैसे अब अखबार की हेडलाइन से हमें पता है कि भाई 9,000 कैंडिडेट ने रिजाइन कर दिया, अब 1,000 और बढ़ गए लगातार, डेली लगभग 10,000 ऐसे कैंडिडेट है जिन्होंने रिजाइन कर दिया है, और अखबार की ही हेडलाइन है कि भाई लगभग 3,000 कैंडिडेट ऐसे जिन्होंने ज्वाइन नहीं किया। अब जब TGT का रिजल्ट आया था तो उस समय भाई 700 या 800 कैंडिडेट ऐसे जिन्होंने डी ग्रुप छोड़ करके और TGT ज्वाइन कर लिया था। तो अब ये जो कॉमन कैडर है इससे लगभग हमें वास्तविकता का पता लगेगा कि भाई वास्तव में कितनी सीटें वैकेंट हैं, टोटल नंबर ऑफ जो वैकेंसीज हैं डी ग्रुप की इसमें कितनी सीटें वैकेंट हैं। तो अब आपकी जो वेटिंग लिस्ट है इसका काम स्टार्ट हो जाएगा, क्योंकि 25 नवंबर के लिए ऐसा ही ऐसी जानकारी थी कि 25 नवंबर को जब ये पोर्टल की लास्ट डेट होगी उसके बाद केवल और केवल डी ग्रुप की वेटिंग लिस्ट का काम, इसकी प्रक्रिया स्टार्ट हो जाएगी। अब वो एक सप्ताह लगता है, 2 सप्ताह, 10 दिन, कितने दिन लगते हैं वो समय बताएगा। बाकी तो मैं आपको यही कहूँगा कि आपको केवल और केवल इंतजार ही नहीं करना, अपना प्रयास जारी रखना है, ठीक है। देखो कई बार क्या होता है कि हम इंतजार में इतना तनाव ले लेते हैं कि बाद में वो तनाव कहीं ना कहीं हमारे शरीर के लिए तो नुकसानदायक है ही, प्लस हम आगे का जो प्रयास है वो भी जारी नहीं रख सकते, आगे की तैयारी नहीं कर सकते, कहीं ना कहीं वो जो हमारी तैयारी है वो रुक जाती है, हमारा जो विकास है वो अवरुद्ध हो जाता है। तो तैयारी करते रहें, अब आपकी जो वेटिंग लिस्ट है वो बहुत जल्दी शीघ्रता शीघ्र आने वाली है, और जिन साथियों ने बहुत अच्छी मेहनत की है श्योर एंड सर्टेन उनका सिलेक्शन श्योर होना है, ठीक है, कन्फर्म होना है, और शायद आप जिस हिसाब से आप इंतजार कर रहे हैं, जिस हिसाब से आपने डी ग्रुप में बहुत अच्छा स्कोर किया है, तो मैं सच बताता हूँ आप डी ग्रुप में नहीं रहेंगे, आप बहुत अच्छी पोस्ट पर जाएंगे, और
जो साथी नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करना, ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करना, और सभी साथियों को बेस्ट ऑफ लक। धन्यवाद, राम।